हेलो एस पेरेंट्स, आज हम जनरल साइंस बायो के अंडर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। देखिए, यूनिट नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो फिलहाल हमने एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारा पहला डाइजेस्टिव ऑर्गन है, उसके बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। नहीं आपने वीडियो देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है बायोलॉजी की प्लेलिस्ट का। टोटल वहां पे शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी बायो की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, सारी एक सीक्वेंस में लेक्चर नंबर वाइज लगा दी हैं, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। नाउ दिस इज द पार्ट नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 10 डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स मेंटेन करना अपने स्टार्ट करें। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, टीथ, टंग, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। सेकेंड जो हमारा आता है, दैट इज फेरिंग्स। ये क्या है? एक छोटी और फनल की शेप की एक ट्यूब है जिसकी लेंथ रहती है 12 से 14 सेंटीमीटर। ये एक कॉमन पैसेज होता है एयर के लिए एंड फूड के लिए। बोलते हैं ना कि हम जब सांस लेते हैं तो वो सांस लेने वाली पाइप और जो हम खाना खाते हैं हमारी फूड पाइप, दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो विंड पाइप होती है और जो फूड पाइप होती है उनके लिए कॉमन पैसेज प्रोवाइड करवाता है, और उसके बाद आगे चल के जो फूड पाइप है वो अलग हो जाती है, जो एयर पाइप है वो अलग हो जाती है, ठीक है। हम सांस की नली भी जिसको बोलते हैं, एक खाने की नली बोलते हैं, तो उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब कॉमन पैसेज है मतलब जो फेरिंक्स है ये कम्युनिकेट करता है ऑइसोफेगस एंड ट्रेकिया दोनों के साथ। ऑइसोफेगस क्या है? फूड पाइप। ट्रेकिया क्या है? एयर पाइप या विंड पाइप भी कई बार लिखा होता है बुक्स में, मतलब जहां से हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो ये जो सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है ट्रेकिया के थ्रू। जो हम खाना खाते हैं, खाना अंदर जाता है ऑइसोफेगस के थ्रू, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना कि हम खाना एकदम से निगल लेते हैं, है ना, सांस हमारी कई बार रुक जाती है, हम खाना बहुत ज्यादा मुंह में डाल लेते हैं, खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जो ट्रेकिया, ये तो हमारी हवा वाली पाइप है जिससे हम सांस अंदर ले रहे हैं, है ना, सांस की नली है, तो ये जो ट्रेकिया है ये कवर हो जाती है एपिग्लॉटिस के थ्रू, जो कि एक लिड, एक ढक्कन, एक फ्लैप की तरह काम करती है, ताकि खाना हमारा एयर पाइप में ना जाके फूड पाइप में ही रहे। तभी बोलते हैं खाना टिक के आराम से चबा चबा के खाना चाहिए, ठीक है ना। क्यों यहाँ पे एक लिड की तरह एपिग्लॉटिस से कवर हो जाता है ट्रेकिया? ताकि ट्रेकिया में एंट्री ना हो जाए कहीं फूड की, है ना, फूड पाइप फुल हो गई है चलो ट्रेकिया में चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है। तो ये एपिग्लॉटिस इंपॉर्टेंट है, ऑइसोफेगस ट्रेकिया इंपॉर्टेंट है। जो हमारी फेरिंक्स है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एयर एंड फूड दोनों के लिए कॉमन पैसेज का काम करती है, ठीक है। अब देखिए, जो फंक्शनिंग हमें पढ़नी है, जो मैकेनिज्म पढ़ना है डाइजेशन का, वहां पे मैं आपको हर एक ऑर्गन का फंक्शन नहीं बताऊंगी, सिर्फ पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी। तो ये सारे ऑर्गन्स मैं आपको पहले ही क्यों पढ़ा रही हूँ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ताकि आपको एक एक ऑर्गन का एक वर्क, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये ऑर्गन करता क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस मैंने पहले बता दिया, फूड पाइप है, खाना हमारे अंदर तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो ये हाईली मस्कुलर पाइप है, मसल से बनी हुई है, 23 से 27 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लेंथ कोई नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। ये सीधे ये पाइप सीधे हमारे पेट में जाके खुलती है ना, जो भी खाना खाया सीधे पेट पे पहुंचता है। इसकी जो ओपनिंग है, हमने कहा ना दैट इट ओपन्स इन स्टमक डायरेक्टली, तो ये जो ओपनिंग होती है पेट में जाके उसे बोलते हैं गुलेट, और ये कैरी करती है फूड टू द स्टमक। मेन फंक्शन क्या है? खाना लिया फेरिंग्स से और पहुंचा दिया स्टमक तक। फेरिंग्स क्या है? जो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए, वहां से खाना लिया पेट तक पहुंचा दिया। अब पेट क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूसेस अपना सिक्रेट करता रहेगा, मिक्सिंग करता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। ओइसोफेगस का काम है फेरिंग्स से लाए खाना और स्टमक तक पहुंचा दिया। ये भी एक पैसेज ही है ना, ये एक पाइप होती है। अब आगे चलें स्टमक के बारे में देखें, तो हम पेट बोलते हैं, है ना, वाइडेस्ट ऑर्गन, सबसे चौड़ा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का, दैट इज द स्टमक, ठीक है। मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, हम पढ़ते हैं डाइल्यूट हाइड्रोइलेक्ट्रिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसका मतलब क्या होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड तो है लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया गया, डाइल्यूटेड है। वैसे ही सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सबसे ज्यादा पानी, लिक्विड, जूसेस, एसिड्स पेट में होते हैं, ठीक है। स्टमक क्या करते हैं? क्वेश्चन आ सकता है वाइडेस्ट ऑर्गन कौन सा है, मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा है। एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको क्या बताया, ऊपर से शुरू होती है नीचे तक, हमारे माउथ से शुरू होती है हमारे एनस तक, ठीक है। ये क्या करती है, क्या करता है स्टमक? खाने को तोड़ता है छोटे छोटे पीसेज में, और उसके बाद गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, उसके साथ मिक्स कर देता है।
फूड जो है पेट तक आने तक वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन स्टमक तक पहुंचने के बाद वो लिक्विफाइड हो जाता है. ठीक है, फूड बिकम्स लिक्विफाइड इन द स्टमक बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ये लिक्विफाइड हो जाता है. जो स्टमक होता है किसी भी एडल्ट का, उसमें 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर तक का मटेरियल वो होल्ड कर सकता है. ठीक है, अब स्टमक क्या कर सकता है, जो गोट मिल्क होता है, जो बोलता है बहुत भारी है, उसको बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, फास्ट डाइजेस्ट कर लेता है देन काउ मिल्क. और ये सर्व करता है एज द स्टोर हाउस ऑफ द फूड. सारा खाना इकट्ठा होता है कहाँ पे, स्टमक पे जाके. तो एग्जामिनर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता साइंस फील्ड से. हाँ, जो करंट में न्यूज रहती है ना, जैसे कोई वेपन आ गया, कोई एयरक्राफ्ट हो गया, वो सब देखते हैं किसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई. अच्छा, वो वाली चीजें तो अलग है, करंट वाली में तो डेप्थ में क्वेश्चन आ जाते हैं. लेकिन जैसे द स्टोर हाउस ऑफ फूड किसे कहते हैं, या फिर मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा है, वाइडेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं. तो आपने ध्यान रखना है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाने हैं, तभी आपको ये सब पढ़ने का फायदा है. और बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर हम बात करें, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई बहुत टफ चीजें, कोई फॉर्मूला, कोई कुछ हम इसमें याद नहीं करें, जस्ट समझ रहे हैं. पहली बार आप नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन सेकेंड टाइम जब आप ये सब कुछ पढ़ने लगेंगे ना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, चलिए, इसी के साथ हमारा ये पेज होता है कंप्लीट. और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा. इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं. दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर. नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है. तो फिर हमने इनको उल्टे नाम क्यों दिए? चलिए, वो चीज़ मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ाऊंगी. बहुत एक फनी सा कंसेप्ट है ना, एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जिसे हम बहुत बड़ा डिफिकल्ट करके हवा बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बट फिलहाल देखिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है. सबसे लंबा पार्ट है तो इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोल देते हैं. नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नाम रखने के लिए अलग कंसेप्ट है. याद रखना है एलिमेंट्री कैनाल. बार बार ये चीज कह रही हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए. हमारे माउथ से लेकर शुरू होती है एनस तक, विच मीन्स कि बीच में जो भी पार्ट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है. ठीक है, या कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं. ठीक है ना. नाउ एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. इसकी लेंथ होती है 6 मीटर तक. इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम. ड्यूडेनम है, यू शेप्ड है, 25 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है. ठीक है, एंड वाइडेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्टमक. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? ड्यूडेनम. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन. जुजेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है. इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है. तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाएगा और डाल देगा और फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि चल क्या रहा है. सबसे चौड़ा पार्ट ड्यूडेनम, सबसे लंबा पार्ट इलियम. किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का. ड्यूडेनम एलिमेंट्री कैनाल का. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, खाना लिक्विफाई हो गया स्टमक में, उसके बाद आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो लीवर ग्लैंड है, पेनक्रियाज ग्लैंड है. किस तरह का ग्लैंड है पेनक्रियाज? पेनक्रियाज हमारा मिक्स्ड ग्लैंड है. एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है. तो क्या होता है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं. एंड पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब ये एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड भी वर्क करता है, एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड भी वर्क करता है. मतलब ये हॉर्मोन्स को भी सिक्रेट करता है, एंजाइम्स को भी सिक्रेट करता है. ये चीज मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई है. ठीक है ना, एंडोक्राइन सिस्टम हमने तभी डाइजेशन से पहले पढ़ा ताकि ये चीजें आपकी क्लियर हो. लीवर क्या है, किस तरह का ग्लैंड है, चलिए फटाफट से आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं. यहां से पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स सच में वीडियो को देख के समझ के नोट्स बना रहे हैं. फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो लीवर है, पेनक्रियास है, इनसे जो सिक्रेशंस होती हैं वो पेनक्रियास में एंटर करती हैं ताकि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प कर सके. ठीक है, एक और टर्म यहां पे आती है, विली. विली क्या होती है? बहुत छोटी छोटी हेयर की तरह प्रोजेक्शंस होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं. ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इसके अंदर इस तरह की कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं बालों की तरह. ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, बड़ी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली. अब हमारा ये आज का लास्ट पार्ट भी है. ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा. हम अब पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है
छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। लेकिन फिर हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर रेडियस पता है ना, तो जो इसका डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो हम लेंथ के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बोलते हैं, हम वो जो ये जो पाइप होती है ना इसके डायमीटर के हिसाब से बोलते हैं। डायमीटर इसका ज्यादा है इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ऊपर वाली का डायमीटर कम होता है इसलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन बट इट्स डायमीटर इज लार्जर देन दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हेंस कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। 1.5 मीटर्स लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, 6 मीटर्स लेंथ होती है। अब जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है, या जो एलिमिनेशन है फूड वेस्ट बोले, जो भी मतलब हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वो कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसका लास्ट पार्ट हमारा आता है एनल कैनाल, जिसके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जूसेस को सिक्रेट करते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्गन्स पढ़ लिए, हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ लिए, उसके बाद फिर हम सिंपल से उसको पढ़ेंगे। फिर वहां मैं आपको नहीं बताऊंगी कि स्टमक क्या करता है या कोई गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो नहीं बताऊंगी। फिर सीधे हम फंक्शनिंग पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तभी मैं आपको ये सारी चीजें पहले पढ़ा रही हूँ। अब देखिए इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट होता है कंप्लीट। यहीं पे आपको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए जनरल साइंस के अलावा हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, राइट? क्योंकि जनरल साइंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए इसके नोट्स भी अवेलेबल नहीं है टू परचेज। चलिए इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जो पढ़ा है इस पे फोकस करें, नोट्स बनाएं और इन्हें बार बार रिवाइज करें। इसी के साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मैं चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।